पे या जुले इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। पहले वाले में हमने क्या किया था, नंबर लाइन से किया था, अब इसमें बिना नंबर लाइन के करना है, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है, सबसे पहले अगर दो साइन कटे हैं, दो साइन, साइन इस हमेशा यंपो यौन ना ते साइन इसका हमेशा गोमा सॉफ्ट चूस, ठीक है। नंबर वन सॉफ्ट चूस संगाला, जैसे ये देखो 11 साइन इसका यंपो दो, जुम में बीच में कोई नंबर नहीं है तो हमेशा इसको सॉल्व करना होता है। जब सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 7 हो जाता है। सिंपली 11 में से आपको क्या करना है, माइनस 7 करना है, तो क्या आएगा आपका 4, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बी पार्ट 13, अब देखो यहाँ पे माइनस 13 है, यहाँ पे प्लस है, इस माइनस और इस प्लस के बीच में 13 है, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस 13 को वैसे ही रखेंगे, आप पहले किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 18, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस के बीच में नंबर है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हमें नंबर्स को प्लस करना है, लेकिन साइन क्या लेना है, साइन, साइन प्लस नहीं होगा, साइन जिस नंबर की, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके पास जो साइन होगा वो लेंगे हम। जैसे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। 18 और 13 को प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, 11 31 हो जाएगा, ठीक है, 31। अब इन दोनों में से तो दोनों के पास माइनस माइनस साइन है, तो साइन यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वे, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 10 हो गया, ये प्लस, प्लस क्या होगा, प्लस 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 होगा 19, ठीक है। अब ये माइनस और ये प्लस के बीच में नंबर है, ठीक है, तब ध्यान रखना कि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 19 में से 10 को क्या करना है, वो माइनस करना है, तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। साइन चेंज मत करना। अब क्या करना है, इस टाइम पे देखना है कि बड़े वाले नंबर के पास साथ में कौन सा साइन है, 19 के साथ प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस मतलब ना लिखने से भी चलेगा, ठीक है। और आगे देखो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। -250, ये प्लस, दोनों साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस 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 150। अब ये माइनस और ये प्लस, इस प्लस के बीच में नंबर है, इसलिए साइन यहाँ पे चेंज करके नहीं लिखना है, सिंपली क्या लिखना है, पहले माइनस प्लस माइनस करना है आपको, 250 में से 150 को माइनस करो तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। आप दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है, 250 है, उसकी आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, -380, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है तो सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, 270। आप क्या करना है, दोनों के बीच में साइन, दोनों के बीच में नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस करना, प्लस इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 0, 8, 9, 10, 15, 3, 4, 5, 6, 650। आप बड़े वाला कौन सा है, 380, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एफ पार्ट, एफ में देखो -217, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, -100। अब क्या है, माइनस माइनस प्लस करना, प्लस इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 317। बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 217, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो क्या होगा, -317, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ, हमें क्या दिखाना है, सम दिखाना है, ठीक है। सम कैसे दिखाना है,
137 एंड इन इसको एंड मतलब प्लस करना, फाइंड द सम मतलब प्लस करना पड़ेगा, प्लस माइनस 354 है, ठीक है। आप दो साइन कट्टे हैं तो सॉल्व करना है, 137 प्लस माइनस माइनस 354। अब 354 में से 137 को माइनस करो, ठीक है, 354 में से 137 को माइनस करो, 14 तो 7, दिस इज 4, 1, दिस इज 3, 2, 217, 217। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? दिस वन, इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस साइन, तो आंसर में क्या आना चाहिए? माइनस 217। इसका बी पार्ट हमें सम करना है, तो माइनस 52 को प्लस करना है किसके साथ? 52 के साथ, ठीक है। तो अब साइन, दो साइन खट्टे वाले कोई नहीं है, साइन इसने हमको चंचिंग भी रुक, दोनों के बीच में नंबर है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 52 में से 52 माइनस करो, ज़ीरो। अब देखो ज़ीरो के आगे कोई प्लस साइन नहीं लगाना, माइनस साइन नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दोनों नंबर बराबर है, हम प्लस भी नहीं लगा सकते, माइनस भी नहीं लगा सकते, और ज़ीरो के आगे कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, माइनस 312 को प्लस करना है 39 के साथ, उसको प्लस करना है 192 के साथ, ठीक है। पहले इन दोनों को करो, माइनस प्लस माइनस, 312 में से 39 को माइनस करो, 312 में से किसको माइनस करना है? 39 को माइनस करो, 10, 11, 12, 3, दिस इज 0, 10, दिस इज 7, दिस इज 2, 273। अब देखो यहाँ पे दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो माइनस साइन है। नेक्स्ट प्लस 192, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में से, और 273 में से 192 को माइनस करो, 192 को माइनस करो, 117 में से 9 माइनस करो, 8 आएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा, 81। तो आपका 81, दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन डी पार्ट, माइनस 50 को क्या करना है? प्लस करना है माइनस 200 के साथ, इसको प्लस करना है 300 के साथ, साइन इसने हमको तो सॉल्व चूज कर ला, माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 200 प्लस 300, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करो तो 250, बड़ा वाला ये नंबर है, तो माइनस प्लस 300, माइनस प्लस माइनस, 300 में से 250 माइनस करो, 50, साइन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम, ठीक है, कुछ नहीं करना, जो अगर साइन दो दो साइन वाले साथ में है तो उसको सॉल्व करो, सबसे पहले माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 4 प्लस 16, कुछ नहीं, स्टार्ट एक एक करके करते जाओ, पहले इन दोनों को करो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करो, 9, 10, 16, बड़ा वाला नंबर ये है, तो माइनस साइन है, प्लस 4 प्लस 16, उसके बाद इन दोनों को करो, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 4 माइनस करो, 12, बड़ा वाला ये नंबर है, तो माइनस साइन, प्लस 16, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 12 माइनस करो, 4, बड़ा नंबर ये है, इसके पास पॉजिटिव साइन में, तो आंसर में भी पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, 37 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 65 प्लस माइनस माइनस 8, क्योंकि सब साइन से एक साथ है ना, तो उसको सॉल्व करना है, तो पहले इन दोनों का करो, 37 में से 2 माइनस करो, 35, बड़ा वाला ये नंबर, पॉजिटिव साइन, तो आंसर में पॉजिटिव साइन, माइनस 65 प्लस 8, इन दोनों को करो, प्लस माइनस माइनस, 65 में से 35 माइनस करो, 0, 330, बड़ा ये नंबर, तो माइनस 30 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 8 माइनस करो,
22 बड़ा ए नंबर साइन माइनस, ठीक है, इस तरह से करना है आपको, एक एक करते जाओ। और ये ध्यान रखो कि साइन, दो साइन इकट्ठे है तो उसको उसको सॉल्व करके लिखना है आपको, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाकी की नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।